नारद जी की ताजा खुसुर फुसुर को मिस ना होने दें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। नारायण नारायण। उत्तर प्रदेश से चुनाव प्रचार कर राजधानी लौटे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने पत्रकार वार्ता कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर जमकर निशाना साधा। प्रतापपुर की रैली में प्रधानमंत्री द्वारा पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी को नंबर वन भ्रष्टाचारी कहे जाने पर भूपेश बघेल ने मोदी को मानसिक रोगी कहा है कि नरेंद्र मोदी जी अपना मानसिक संतुलन खो चुके हैं और मुझे भी आए बाएं बोलना शुरू कर दिए, इसे चिकित्सा की आवश्यकता है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल इतने में ही नहीं रुके, मोदी पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि मोदी को इलाज की सख्त जरूरत है। मोदी ने खुद ही बताया कि वो 4 घंटे से ज्यादा सो नहीं पाते, ऐसे में देश के इतने बड़े पद पर बैठने के लायक नहीं है मोदी। क्योंकि वो खुद कहते हैं 3-4 घंटे सो पाता हूँ, तो जो आदमी यदि नींद न ले तो उसकी मानसिक दशा खराब हो ही जाती है, और जो वर्षों से इस प्रकार से पीड़ित है, अनिद्रा से पीड़ित है, वो व्यक्ति इसी प्रकार की बात करेगा। इसे देश के सर्वोच्च पद में नहीं रहना चाहिए, देश के लिए खतरनाक है। बघेल ने मोदी को सत्तर भी कहते हुए कहा कि कुर्सी बचाने के लिए मोदी ऐसी बयानबाजी कर रहे हैं। देशभक्ति की बात करने वाले मोदी को अब प्रधानमंत्री पद की गरिमा का भी ख्याल नहीं है। तो नरेंद्र मोदी जी के मन में न देश प्रेम है, न राष्ट्र प्रेम है, न त्याग के प्रति सम्मान है, उसको केवल कुर्सी प्रेम है और सत्ता प्रेम। मत सत्ता पाने के लिए वो किसी स्तर पर नीचे उतर सकते हैं। प्रधानमंत्री ने अपनी हार स्वीकार कर ली है, अब उनके जाने का समय आ गया है। इस बार भाजपा 150 सीट भी नहीं जीत पाएगी और देश में राहुल गांधी के नेतृत्व में यूपीए की सरकार बनेगी। रायपुर से खबरची के लिए सुनील सुधाकर पांडे की रिपोर्ट।